सो हम लोग फिर से एक और पबजी मोबाइल का क्लासिक मैच खेले थे एंड मैंने पहला जोन निकाल लिया था सेफली। एंड गाइस तीनों की पेटी बन चुकी थी तो यहाँ अब जाना था पोचिंग की खाली करने। तो पोचिंग की में तुम्हारा भाई सबसे बढ़िया कैंपिंग करता है छत पे जाके, अब तुम बाकी खुद ही देख लो। सो यहाँ मैंने और पे माइक कर लिया इस मारे कि जिससे कि उनकी वॉइस आए। एंड यार ये मुझे इनका समझ ही नहीं आता, भटकते रहते हैं इधर से उधर, जो आत्मा का नाम नहीं लूँगा मैं, तो ये नोबड़े बंदे हैं। देखो कैसे भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, पता नहीं हुआ क्या है। सो गाइस ये ऐसे गोली मार रहे हैं जैसे इन्हें बंदा मिल गया हो, बट भाई नोबड़े हैं ना, किस्मत इनकी होती है शायद से। अब नेट जाएगा मेरा प्यारा, वो भाई बच गए तो इससे भी इम्प्रेसिव। अब तो जोन जा रहा, अब तो भागना पड़ेगा इन्हें। तो भाई जोन से पता नहीं यार ये बंदे इतना, मतलब हर कोई बंदा बहुत डरता है यार। एक प्रो बंदा तो नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि प्रो बंदा भी जोन के अंदर फाइट नहीं लेता, एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है जोन के अंदर फाइट लेने में। एंड पता नहीं ये भागे जा रहे हैं इधर से उधर, समझ नहीं आया। एंड अब आता है एक बंदा हाथ में, ये बंदा पता नहीं पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पर उठा के भाग रहा होता है। तो मैं इसे नॉक करके इस मारे छोड़ देता हूँ क्योंकि यार जो नोबड़े बंदे होते हैं ना वो इन जोन रिवाइव तो भाई भूल जाओ। एंड इसे देखो, इसे चौक लगा होता है। ये बंदा तो यूरोप सर्वर का है, क्या नाम है इसका, किट्टू किंग्स। ओ माय गॉड। सो गाइस अब देखते हैं यार, दो बंदे नॉक करके हमने, जीरो किले अभी। ओ भाई से ये बंदा आ रहा है, साला अंदर भाग गया, नहीं तो इसकी पेटी बन जाती अभी। इन्हें देखो ओपन में भाई, बिल्कुल ओपन में ही, इन्हें कौन समझा है, काम आ रहा था ऐसे, समझ नहीं आया। सो अब बारी थी स्क्वाड फिनिश करने की। सो यहाँ पर मुझे एक किलो और मिल गई, बचे दो बंदे। तो एक बंदा ये रहा चूतिया, इसे भी कंफर्म कर देते हैं। अब बचा है एक बंदा, तो यार अब बचा था लास्ट बंदा। एंड गाइस देखो मैं गोली मारता हूँ, ये भगता है, पता नहीं उसे होता है क्या है। मुझे बड़ी हंसी आई होती है, ये फिर भग गया ऊपर। तो अब देखो तुम, मैं इसे कितनी प्यारी तरीके से मारता हूँ, वेट एंड वॉच। सो यहाँ पर आई क्यू होना चाहिए मेरी तरह, नहीं तो तुम्हारे बस की नहीं है। सो मैंने वेट करा, ये हेल्थ लगाए, एंड जैसे हेल्थ लगाता है ये देख लेता है, पर क्या करे जब मौत सामने आ गई तो मरना ही होता है। सर यहाँ पर लूट बाट के हम चले गए जोन में जो ब्रिज के पार था। सो यहाँ जैसे मुझे साउंड आता है मैं भी लेट जाता हूँ, मतलब कि सूबिंग करने लग जाता हूँ। सो यहाँ ये भाई पता नहीं किस रूम में थे, तो यार मैंने इन्हें भी मार के हो गई हमारी 5 किल। एंड मैंने स्मोक कर लिया इसकी पेटी पे, जिससे लूट लो आराम से। एंड मुझे आता है कार का साउंड। सो यार मैं उठा लेता हूँ हेलमेट, एंड ये मेरी तरफ ही आ रही थी कार, तो मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ। सो ये भाई पूरी दुनिया का बहुत अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। सो मैंने थोड़ा सा डैमेज कर दिया, ये भाई ओपन में दिख रहे हैं, M249 वो भी ओपन में चला रहे हैं। सो यार यहाँ पर भी जाने के बाद उसके बाद मिलती मुझे एक फ्री की किल पट से। सो यार थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा, तो यहाँ वो बंदे होते हैं जो कदम जाते हैं ना, कदम बढ़ाते हुए, तो इसे भी मारने के बाद बची थी एक स्क्वाड। अब तुम्हें बताइए जब मैं खेल रहा हूँ तो एक स्क्वाड, ये भाई साहब इसमें तैयारी कर रहे थे, नहीं कर क्या रहते, तो तुम आगे देख लो बस। तो भाई इसे कहते हैं ग्रेनेड से मरना। सो यार देख रहे हो तुम, एस्टा यार
लॉबी इजी। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में वही घिसा पिटा डायलॉग। बाय बाय। Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round.